दोस्तों ईडी और सीबीआई के चंगुल से बचने के लिए तमाम बॉलीवुड अभिनेता अभिनेत्रियां मोदी सरकार की तारीफी और पीएम मोदी की खास तौर पर चापलूसी एक हद तक करते हैं तो समझ में आता है। लेकिन जिस अभिनेता के पीछे ईडी या सीबीआई आने का कोई तुक ही न हो, ये कंफर्म हो कि वो अभिनेता मोदी सरकार का पक्का समर्थक है, उसके पीछे ईडी सीबीआई जाने का कोई चांस नहीं। अगर इसके बावजूद भी वो अभिनेता लगातार पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तारीफी और चापलूसी करते जा रहा है, तो आप भी वही बात कहेंगे जो सोशल मीडिया के तमाम यूजर्स कह रहे हैं। डॉक्टर फकीर नाम के एक पैरोडी यूजर ने साफ शब्दों में लिखा है, भाई साहब अक्षय कुमार तो गजब चाटू इंसान है। दोस्तों आपको बता दें, अक्षय कुमार ने टाइम्स नाउ नव भारत के न्यूज चैनल पर मुख्य एंकर नाविका कुमार से बातचीत करते हुए साफ शब्दों में कहा कि पीएम मोदी हैं जिनके नाम से अब लोग देश दुनिया में भारत और इसके रहने वाले नागरिकों को सम्मान देने लगे हैं। अक्षय कहते हैं, जब हम पासपोर्ट लेने की लाइन में लगे हुए होते हैं तो वहाँ पर ऑफिसर हमसे पूछता है कि आप उस देश से हैं जहाँ से मोदी हैं। आज मैं कहता हूँ कि जब हम पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन ऑफिस में खड़े होते हैं, when they look at, I'm talking about being in abroad, they look at it with lot of respect, and they like सीधे उनके मुंह से निकलता है, oh, you come from the country of Modi. हालांकि अक्षय कुमार इस बात को कहते हुए ये भूल जाते हैं, कहीं न कहीं मोदी की तारीफ में ये भारत का अपमान है, क्योंकि भारत से मोदी है, मोदी से भारत नहीं। मोदी से बड़े बड़े महापुरुष आए और देश के सम्मान में अपना बलिदान, अपना सब कुछ दे करके चले गए, लेकिन देश आज भी उन्नति कर रहा है। मोदी है तो भी करेगा, नहीं रहेंगे तो भी करेगा, इसलिए मोदी के नाम से भारत जाना जा रहा है ये कहना अनुचित होगा। लेकिन गौरतलब हो कि ये बातें कहते हुए अक्षय कुमार बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर कम आत्मविश्वास काफी कुछ दिखा रहा था, और नाविका कुमार ये सारी बातें बड़े ही गौर से सुन रही थी। अब सोशल मीडिया के तमाम यूजर्स अक्षय कुमार और नाविका की इस बातचीत पर तंज कस रहे हैं। शांतनु ने तो फैक्ट देते हुए कहा कि अक्षय कुमार को उनका पासपोर्ट 15 अगस्त 2023 को ही मिल गया था और वो इसे पाने के लिए कभी किसी देश गए ही नहीं, यहाँ घर बैठे ही उनको मिल गया, तो फिर उन्हें लाइन में ऐसी बात कहाँ सुनने को मिली। दरअसल ये बात ये झूठ बोल रहे हैं। अभिषेक गोयल कहते हैं, अगर साहेब के अंधभक्त कला है तो अक्षय कुमार उनके कलाकार। एक और पैरोडी यूजर ने कहा, अक्षय कुमार को 2 महीने पहले जब 15 अगस्त को उनका पासपोर्ट मिला तब वो देश में ही थे, पिक्चर की शूटिंग कर रहे थे, उन्हें किसी देश में जाना ही नहीं पड़ा, फिर वो ऐसा झूठा दावा क्यों कर रहे हैं। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।